खबर है रीवा से, जहां चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालक शुक्रवार को रीवा पहुंचे। उन्होंने संजय गांधी अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निरीक्षण किया है। डीएमए ने डीन अधीक्षक को सख्त निर्देश दिए हैं कि डॉक्टर ड्यूटी पर 2:30 बजे तक मौजूद रहेंगे, इसके पहले जाने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई करें। उनकी हार्डिंग रिपोर्टिंग भी मांगी गई है। इसके अलावा मरीजों को आधार कार्ड पर स्ट्रेचर देने का सिस्टम खत्म करने को कहा गया है। बताया गया कि अब स्ट्रेचर के साथ स्ट्रेचर बॉय तैनात किए जाएंगे। निरीक्षण में कई खामियां मिली हैं, जिस पर नाराजगी भी जताई गई है। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को श्याम साय मेडिकल कॉलेज में कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शामिल होने भोपाल से संचालक चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव पहुंचे थे। उन्होंने रीवा पहुंचने के बाद सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और संजय गांधी अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण में उन्हें कई खामियां मिली, इस पर डीएमई ने जमकर फटकार लगाई है। साथ ही कई व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। अस्पताल में डॉक्टरों को ड्यूटी समय पर नहीं रहने पर डीएमई नाराज हुए। उन्होंने डॉक्टरों की मनमानी पर लगाम लगाने सख्त निर्देश जारी किए हैं। व्यवस्था सुधार ने डीन और अधीक्षक को इसकी जिम्मेदारी भी दी है। डीएमई ने स्पष्ट कर दिया है कि अब डॉक्टरों की मनमानी नहीं चलेगी, ड्यूटी समय पर अस्पताल में सेवाएं देनी होगी, इसके बाद ही वह प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकेंगे। इतना ही नहीं, हर दिन की रिपोर्टिंग भी मांगी गई है। डीएमई के तेवर को देखकर सभी के होश उड़े हुए थे। डीएमए ने स्पष्ट कर दिया है कि सीनियर डॉक्टर सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 तक अस्पताल में मौजूद रहेंगे। इसके बाद शाम को क्लिनिक भी संचालित करेंगे। वार्डों में पहुंचकर मरीजों का निरीक्षण भी करेंगे। ऐसा नहीं करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीन अधीक्षक से हर दिन इस मामले की रिपोर्टिंग भी मांगी गई है। डीएमए निरीक्षण के लिए सबसे पहले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में स्ट्रेचर की कमी थी, मरीज परेशान थे। मरीजों को स्ट्रेचर आधार कार्ड जमा करने पर दिया जा रहा था। इस पर डीएमए भड़क गए। उन्होंने तुरंत 60 स्ट्रेचर खरीदने के निर्देश दे डाले। उन्होंने कहा कि अब एक स्ट्रेचर के साथ एक स्ट्रेचर बॉय तैनात रहेगा। स्ट्रेचर लेकर जाने और यहां जमा करने की जिम्मेदारी अब स्ट्रेचर बॉय की होगी। इसकी एंट्री भी वही करेंगे। हर समय स्ट्रेचर के पास 15 वार्ड बॉय तैनात करने के लिए कहा गया है। उन्हें स्ट्रेचर बॉय के नाम से अब जाना जाएगा। बता दें कि आए दिन अस्पताल में मानसिक रूप से बीमार लोगों को छोड़ दिया जाता है। इसके लिए भी किसी तरह की अस्पताल में व्यवस्थाएं नहीं रहती है। इस मामले को भी डीएमई ने गंभीरता से लिया है। डीएमई ने मानसिक रोग विभाग का निरीक्षण किया। उन्होंने एक वार्ड को ऐसे मरीजों के लिए चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं, जहां अब मानसिक रूप से बीमार मरीजों को मानसिक रोग विभाग में ही भर्ती किया जाएगा। वहीं दिल के मरीजों को परेशान होने की अब जरूरत नहीं है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में यदि रात के समय मरीज को भर्ती नहीं किया जाता है तो उनका इलाज अब रुकेगा नहीं, क्योंकि अब संजय गांधी अस्पताल के मेडिसिन में 20 बिस्तरों की व्यवस्था की जाएगी। यहां पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग के अंडर में 20 बेड में मरीजों को भर्ती किया जा सकेगा। इसकी स्वीकृति डीएमई ने दे दी है। हम आपको बता दें कि ठंड में दिल के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इलाज कराने के लिए आने वाले मरीजों की संख्या के हिसाब से बेड कम पड़ जाते हैं। इस कमी को दूर करने के लिए कार्डियोलॉजी विभाग के एचओडी डॉक्टर वीडी त्रिपाठी ने प्रस्ताव गैलरी में बेड लगाने का रखा था। डीएमई ने इस पर स्वीकृति दे दी है। हम आपको बता दें कि संजय गांधी अस्पताल के बेसमेंट में दवा स्टोर को भी शिफ्ट किया गया है। स्टोर को शिफ्ट करने से पहले इसका मेंटेनेंस कराया गया, इसके बाद दवा स्टोर को शिफ्ट किया गया। इसके बाद भी स्टोर में पानी भर रहा था, इसके कारण कई दवाइयां खराब भी हो गईं। इस पर डीएमई जमकर ठेकेदार पर भड़के, तुरंत इसमें सुधार के निर्देश दिए। अनुरोध करूंगा आगे, चेष्टा करूंगा कि हमारे डीएमई सर का कुछ गलत करें।